फ्रेंड्स, होप आप सब लोग ठीक होंगे। निखिल जानी किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई स्वीट डिश लेके आ रहा हूँ। त्यौहार का समय आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके बाद नवरात्रि आएगी, तो घर पे आप यूनिक स्वीट डिश आपके यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनको कैसे दे सकते हैं। तो ये स्वीट डिश बनाने के लिए हमने 5 ग्लूकोज के बिस्किट पैकेट लिए हैं। ये देखिए, मैंने जो बिस्किट के पैकेट लिए उसको निकाल लिया। आप अपने फैमिली साइज के हिसाब से 4 या 5 पैकेट, 6 पैकेट ले सकते हैं। और ये पार्ले जी के बिस्किट के थ्रू हम आज एक स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, बिस्किट को हमारे को अब पीस लेना है। मिक्सर में जार में डालकर बना लिया। अब इसके अंदर हम ये आधा कटोरी हमारा मिल्क है, जैसे सॉफ्ट हो जाएगा, ये आधी कटोरी आपको मिल्क। और ये कैडबरी का डेरी मिल्क जो है, हमने ये देखिए कैडबरी का जो डेरी मिल्क लिया, फैमिली पैक लिया हुआ है, इसको हमने मेल्ट कर लिया। ये मेल्ट करके इसका सिरप डाल रहे हैं। ये इसमें हम सिरप डालेंगे। ये देखिए, ये सिरप को मार रहा हूँ मैं इसके अंदर। ये देखिए, ये जैसे हम आटा गूंथते हैं इस प्रकार से गूंथ लिया। और ये देखिए, मस्त हमारा ये तैयार हो गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कैसे इसको बनाने का है मिठाई का। ये देखिए, मैंने एक कटोरी अपना मिल्क पाउडर को मैं डाल देता हूँ। इस मिल्क पाउडर को डालने के बाद में हमारे को आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे को मिल्क लेना है। अभी मिल्क इसमें मैं डाल के मिलाऊंगा ताकि गट्ठे नहीं होने चाहिए। ये मैंने मिल्क डाल दिया है। ये देखिए, ये मिल्क इसमें चला गया है। ये देखिए, ये हमारा बन के रेडी हो गया है। ये जरा सा भी गट्ठे नहीं है। ये देखिए, ये पूरा बन के रेडी हो गया। आपको नेक्स्ट आपको स्टेप बताता हूँ। देखिए, ये मैंने एक नॉनस्टिक तवा ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लिया शुद्ध घी डाल के। अभी मैंने जो बैटर बनाया था ये बैटर इसमें डाल रहा हूँ। देखिए, पूरा बैटर इसमें चला गया। चीनी डाल रहे हैं। ये देखिए, एक चम्मच चीनी आप डाल रहे हैं। आप अपने अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं 1 से 2 चम्मच इसमें चीनी डाल रहा हूँ। तो ये 2 चम्मच मैंने चीनी ली है। आप अपने स्वाद अनुसार मीठा कर सकते हैं। इसमें आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं और साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। आप लाना है आपको 5 से 7 मिनट, थोड़ा जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाए तो एकदम मावा की तरह ही हो जाएगा। ये आटा जैसा घोल बनाया था उसको मैंने हाथ से थोड़ा सा फैला लिया है। और इसको हम अभी बेलेंगे। तो बेलने के लिए क्या करना है, आपको बटर पेपर लेना है साइज का। बटर पेपर पे आपको घी पहले लगा देना, ग्रीसिंग कर लेना है। फिर उसके ऊपर उसको डो को रख के हाथ से इसको फैला लेना है। और फिर इसके ऊपर मैं दूसरा बटर पेपर रख रहा हूँ। देखिए, बटर पेपर मैंने ऐसा रख दिया है, इसके ऊपर एक बटर पेपर और आ गया क्योंकि मैंने ग्रीसिंग किया हुआ तो चिपकेगा नहीं। और फिर इसको हम बेलने के बाद में इसमें शेप आ जाएगा। इसमें जो मिल्क और मिल्क पाउडर से जो बनाया था इसमें थोड़ी चीनी डाली थी, मावे जैसा हो गया, पूरा स्प्रेड आउट कर लिया है। अब इसको हम बटर पेपर डाल के एक बार और बेल लेंगे। ये देखिए, ये मैं इसको बेल रहा हूँ इसको, ताकि ये पूरा इवनली स्प्रेड हो जाए। इस पर कहीं पे भी कोई चीज़ रहे नहीं, इसमें पूरा ये इवनली स्प्रेड हो जाए। अब ये देखिए, उसको रोल करना है, पेपर के साथ ही रोल करना है। रोल करते समय एकदम टाइट रोल करना है इसको, और पेपर को आपको साथ में आपको लेते जाना है। ये देखिए, ये रोल होता जा रहा है ये ऐसा। अभी देखिए, मैंने लपेट लिया है इसको। इसको लपेटने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसको बेटर पेपर में लपेट लेना आपको, और लपेट के एकदम आपको उसको फ्रिज में रख देना है। ये देखिए, हमने 2 घंटा इसको फ्रिज में रखा है। अब एकदम बन के बढ़िया तैयार हो गया। ये हमारा रोल है। ये देखिए, कड़क हो गया, ये पूरा रोल हो गया। ये पीसेस काट के मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कैसे पीसेस बनते हैं। ये देखिए, ये एक एक ये इसे छोटे छोटे पीस, आपको ज़्यादा बड़े भी नहीं काटना, छोटे भी नहीं काटना। ये देखिए, ये हमारे पीस बन के रेडी है। ये देख सकते हैं आप, इससे हमारे को छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं। ये हमारे मिठाई बन के रेडी है। ये देखिए, इसको आप स्विस रोल भी बोल सकते हैं या आप इसको स्वीट रोल भी बोल सकते हैं। ये हमारी मिठाई 3 आइटम्स हमने बनाई है, आपको मालूम है। हमने इसमें लिया है पार्ले जी, दूसरा मिल्क पाउडर, मिल्क एंड कैडबरी। ये इन 3 से 4 आइटम से बहुत जल्दी घर के अंदर आप बना सकते हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट।